हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। आज का ये पार्ट नंबर थर्ड है। प्रीवियसली ईयर्स आज क्वेश्चन इन GKSP फ्रॉम कंप्यूटर सेक्शन। इससे पहले दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर? आपने बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या है, मतलब कंप्यूटर का मेजर फंक्शन जो होते हैं उनकी तरतीब, इनकी मतलब उनका प्रोसेस कैसा होता है, पहले क्या होता है फिर क्या होता है। प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज, इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट या स्टोरेज। आपको पता है पहले हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, फिर वो जो भी डाटा हम कंप्यूटर को मतलब देते हैं हम इनपुट करते हैं, फिर वो डाटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में मिलता है, आउटपुट जब मिलता है तो स्टोरेज हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेम ही है ये। क्वेश्चन नंबर 42, डैश डैश बिट्स इक्वल 1 byte। 1 byte में कितने बिट्स होते हैं आपने यही बताना है, 8, 2, 1000 या 1 million। तो इसका आंसर है 8 bits होते हैं बराबर 1 byte के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी सा है, गलत भी हो सकता है। कितने बिट्स का 1 byte होता है? 8 bits का 1 byte होता है। बी ए पार्ट इसका आंसर है। द बाइनरी लैंग्वेज कंसेप्ट डैश डैश डिजिट्स, बाइनरी लैंग्वेज में कितने डिजिट्स होते हैं? बिल्कुल 2, 0 और 1। 2 इसका आंसर है। 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स में होते हैं, 2 digits होते हैं, 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स में होते हैं। अ बाइट कैन होल्ड 1 of डैश डैश डेटा, एक बाइट कितना होल्ड करता है, कितना डाटा होल्ड कर सकता है? बिट ऑफ डेटा, बाइनरी डिजिट या करेक्टर, किलोबाइट। अगर आपको पता है तो आंसर कीजिएगा। आपको लग रहा है इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी सा है और गलत भी हो सकता है। तो इसका आंसर है सी पार्ट, करेक्टर ऑफ डेटा। ठीक है, काफ़ी सारी इसको बी भी या ए भी, मतलब जो आप सोच रहे होंगे कि ए या बी होगा, लेकिन इसका आंसर है सी पार्ट, करेक्टर। बाइट कैन होल्ड 1 character ऑफ डाटा है, 1 byte 1 character ऑफ डाटा होल्ड कर सकता है। डैश डैश कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड अ मीन्स बाय विच यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। कौन सा सिंपली आपने बताना है कि कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस को? द प्लेटफॉर्म, द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द मदरबोर्ड। तो इसका आंसर है ए पार्ट, बी पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी बी पार्ट इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तरह का कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और हमें एक तरह से हमें इंटरेक्ट करने का मौका देता है कंप्यूटर के साथ, कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे चलाना है कंप्यूटर, कैसे एप्लीकेशन यूज़ करने हैं, कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कंप्यूटर को। द ऑपरेटिंग सिस्टम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटा सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम या वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर। बिल्कुल ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर टिक नहीं लगाना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वर्ड है, वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी स्प्रेडशीट वगैरह है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डैश डैश आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप्स दैट रिजाइड इन अदर डिवाइसेस सच एज योर कार, योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट, सर्वर्स, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, रोबोटिक कंप्यूटर्स, मैनफ्रेम्स। तो इसका आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं, कार वगैरह बाकी। तो बी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकॉन आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या द सिस्टम यूनिट। तो इसका आंसर है इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन इसका आंसर है। द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकॉन आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 49, द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के कितने ब्रॉड कैटेगरीज है? 2 broad categories हैं सॉफ्टवेयर के, कौन कौन से? वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन, विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। बिल्कुल सिस्टम एंड एप्लीकेशन दो मैन कैटेगरीज है सॉफ्टवेयर के, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द, ऐसे मेटल या प्लास्टिक के जो सब तरह के मतलब जो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिसको हम टच कर सकते हैं, तो किस में वो होते हैं, कौन सा होल्ड करता है? सिस्टम यूनिट, CPU, मैन फ्रेम या प्लेटफॉर्म। बिल्कुल वो ए पार्ट, सिस्टम यूनिट में, ए पार्ट इसका आंसर। ठीक है, अब
टॉपिक वाइज कंप्यूटर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर। पहले हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चन देखें जो आए हुए क्वेश्चन थे प्रीवियसली आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, प्रिंट स्क्रीन की ऑन द कीबोर्ड इज अ टाइप ऑफ, कौन सा प्रिंट स्क्रीन जो होता है ना कीबोर्ड में, कौन सा कीबोर्ड होता है, मतलब कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ की होता है, वो स्पेशल पर्पज़ की आपने बताना कितने स्पेशल पर्पज़ की होते हैं, ठीक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, और कौन कौन से स्पेशल पर्पज़ कीज़ हैं। प्रिंट स्क्रीन एक स्पेशल पर्पज़ की है। विच द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन मेकिंग ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स को हम कैसे बनाते हैं, बिल्कुल जर्मेनियम से हम ट्रांजिस्टर्स को बनाते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज इज़ ए, अगर आपको आता है असेंबली लैंग्वेज इज़ ए लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज के हैं। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट्स, ठीक है 1 किलोबाइट्स। इफ कीबोर्ड इज रिलेटेड टू मॉनिटर देन इक्वेशन इज रिलेटेड टू, अगर कीबोर्ड मॉनिटर के साथ रिलेट हम कर सकते हैं तो इक्वेशन को हम कैसे रिलेट करते हैं, बिल्कुल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है तो सोल्यूशन के। रोम इज अ टाइप ऑफ, रोम कौन सी मेमोरी है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, बिल्कुल रोम नॉन वोलेटाइल, रैम वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द वर्ड पेंटियम, पेंटियम ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। कंप्यूटर्स ऑफ विच जनरेशन आर नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन में कौन से यूज़ हुए थे इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप्स आप कह सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन से यूज हुए थे, वैक्यूम ट्यूब से मैग्नेटिक ट्यूब आप कह सकते हैं। सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, ठीक है थर्ड में आईसी चिप्स, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में जो आजकल चल रही है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है या रोबोटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हेक्सा इक्विवेलेंट ऑफ 100, ये आपने बताना है हेक्सा इक्विवेलेंट किसके बराबर है, A17। विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशंस, वेदर फोरकास्ट में हम कौन से कंप्यूटर यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वायर VLSI माइक्रो प्रोसेसर, अभी बता चुका मैं तो फोर्थ जनरेशन में हम VLSI यूज़ कर चुके हैं। वट इज़ नोमोनिक, नोमोनिक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्रेशन फॉर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। रैम एंड रोम आर टाइप्स ऑफ विच मेमोरी, इंडिपेंडेंट मेमोरी होते हैं रैम एंड रोम। वट इज़ द स्पीड ऑफ ए PCI बस ऑन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स, 33 मेगाहर्ट्ज़। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इज ब्लड इज एनमली, द एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज वैन मोर फ्रेम्स आर एलोकेटेड टू ए प्रोसेस, ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स कॉफमैन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन दैट लेड्स टू डेड लॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑनली वन प्रोसेस में यूज रहने दे क्वेश्चन। बेस टू रिफर्स टू विच नंबर सिस्टम, जिसका बेस टू होता है वो कौन सा नंबर होगा, तो बाइनरी सिस्टम। IETF स्टैंड फॉर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, काफ़ी बार आ चुका है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। वट वुड बी द बाइनरी नंबर 101 बी इन डेसिमल नोटेशन, 11, काफ़ी ईजी है। हाउ टू कैलकुलेट टूज कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट वन कम्प्लीमेंट इन वर्डिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर फॉर फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सेकंड जनरेशन। वट इज़ ALU एब्रिवेशन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंपॉर्टेंट है। इनाइक मशीन वॉज इन्वेंटेड बाई इनाइक, किसने इन्वेंट किया था, जॉन मैकुले एंड जे प्रेस्पर एक्ट ने, ठीक है। इनाइक एक्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं, EC यहाँ पे भी EC है, इनाइक एक्ट, ठीक है। और बाकी आप याद रख सकते हैं जॉन मैकुले, ठीक है जॉन मैकुले, या AC यहाँ पे भी AC है, इनाइक AC जॉन मैकुले यहाँ पे AC है, यहाँ यहाँ पे है EC यहाँ पे AC जॉन मैकुले इनाइक, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ई कॉमर्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट सपोर्टेड बाय CPU, F12 की इन कीबोर्ड बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ कीज, कौन से की होते हैं F12 की फंक्शंस की होते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना कितने फंक्शंस की है कीबोर्ड में। डिजिटल इमेज आर फॉर्मड फ्रॉम टिनी डॉट्स नोन एज पिक्सल्स, आए हुआ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट द मॉनिटर, VGA हार्डवेयर, ये कल से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।